बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुरमुरे बना रही हूँ, देखिए चटपटे मज़े के खारे मुरमुरे, और बोले तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के रहते। देखिए ये मुरमुरे, अब काम भी घूमने करने गए तो ये मुरमुरे ले लेके बच्चों को देते थे। देखिए पहले, अब तो भूल ही गए रेसिपी को, तो मैं 3 चमचे तेल डाली। देखिए 3 चमचे तेल डाल के उसको अच्छा गर्म होने दी कड़क को। उसके बाद इसमें 100 ग्राम फल्ली की बीन्स डाली, इलायची मूंग की फल्ली बोलते ना, उसके 100 ग्राम डाली। उसके बाद इसमें मैं 50 ग्राम बोले तो फूले चने की दाल डाली। देखी फली की बीन्स को अच्छा मैं भुनी, उसके बाद फूले चने की दाल डाली, धीमे पे भून रही हूँ। देखी मैं इसमें 2 डल्ले लहसुन है, लहसुन को छिलटे के साथ डाल रही हूँ। देखी उसमें बहुत ज़बरदस्त रहता छिलटे के साथ डाले तो। 1 लहसुन की पोती को मैं 3 टुकड़े करी उसमें, अच्छा चाकू से 3 टुकड़े करके डाली। देखी उसके अंदर छिलटे के साथ ही डाली मैं। 5 लाल मिर्ची को तोड़ के डाली। देखिए उसके अंदर धीमे चूल्हे पे भून रही हूँ। देखिए मैं तेज़ चूल्हे पे नहीं भुनना। ये देखिए पूरे चीज़ें लाल कर ली। देखिए पूरे नमक अच्छा उसमें अपने हिसाब से डालना, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना नमक। फिर अच्छा 2 डाली कितना करिया पाक डाली। देखिए मैं करिया पाक डाले तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहता उसके अंदर। धो के उसको करिया पाक को ज़रा अच्छा कपड़े में पोंछ के डालना। देखिए तो 2 डाली के ऊपर ही डाली। देखिए करिया पाक में उसके अंदर हो। फिर 1 चम्मच में हल्दी डाल रही हूँ उसके अंदर। ये देखिए 1 चम्मच हल्दी डाली उसके अंदर मैं। हल्दी डाल के चूल्हा धीमे पे करी। देखिए मीडियम बोलते ना उसमें, वो हिसाब से करी मैं। 1 चम्मच हल्दी डाली, फिर नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। देखिए मिर्ची डाल के उसको चूल्हा बंद कर दी। देखिए मैं उसको तो कई को बोले तो मिर्ची डाले बाद मिर्ची एकदम जल जाती है, उसको भगोने में गर्म भगोने में मिर्ची पूरी भुने जाती। देखिए तो अब मैं चूल्हा बंद कर दी। देखिए मिर्ची डाल के 2 चमचे मिर्ची डाली इसमें, लाल मिर्ची। मिर्ची से ना जो टेस्ट आता मुरमुरों में ज़बरदस्त आता। देखिए बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त रहती है। कुरकुरे जो रहते ना मुरमुरे बहुत ज़बरदस्त रहते। ये देखिए इसमें ये 1/2 किलो मुरमुरे है। देखिए 1/2 किलो मुरमुरों को मैं इसमें अच्छा चुनी। देखिए पूरे इसमें कंकरे भी रहते बारीक बारीक, वो कंकरे निकाल के उसमें डालना। तो चूल्हा बन मिर्ची डालने के साथ ही चूल्हा बंद कर दी थी। देखिए तो अब इसको नीचे ऊपर अच्छा मिला लेना। देखिए इसको पूरा मिलाए ना तो इसका पूरा कलर पूरा लाल लाल पीला पीला आता, 2 कलर आते। देखिए तो अच्छा इसको चमचों से पूरा नीचे ऊपर मिला रही हूँ। देखिए पहले ट्रेन में गए तो बसों में गए तो बच्चों को अच्छा 1 किलो 2 किलो ऐसा बना लेके अच्छा कवारों में बन लेके जाते थे बच्चे, गांव आए तक खा लेते रहते थे। देखिए पहले सफ़र कैसा गुजरता मालूम नहीं होता था। अब ये रेसिपी पूरी भूल गए देखिए लोग, आम दूर दूर तक याद नहीं कर रहे, मगर ज़बरदस्त और बहुत मस्त रहती। देखिए ये ट्रेनों में गाड़ियों में गए तो बच्चों को थोड़ा 1-2 पेपर लेते थे, पेपर में डाल के बच्चों को डाल के दिए तक आए तक क्या है गाँव जाता था। अब क्या भी खिलाओ बच्चों का दिल ही नहीं भर रहा। देखिए इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की रहती है रेसिपी, कुछ पूछना नहीं होगा। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।